नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ विथ ट्रांजिस्टर्स एंड फ्लिप फ्लॉप एंड इट इज मेड अप ऑफ डायनेमिक रैम इज मेड अप ऑफ विद कैपेसिटर्स एंड फ्यू ट्रांजिस्टर्स. ठीक है, तो जो स्टैटिक रैम होती है, डायनेमिक रैम, वो किससे बनी होती है? ट्रांजिस्टर्स और फ्लिप फ्लॉप से. और जो डायनेमिक रैम होती है वो हमारी बनी होती है कैपेसिटर और कुछ ट्रांजिस्टर से. अब ये बार बार क्या होती है, डायनेमिक रैम क्या होती है, रिफ्रेश होती है. क्यों रिफ्रेश होती है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं कैपेसिटर्स. तो ये जो कैपेसिटर्स होते हैं, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं. वो कैसे हो जाते हैं? क्योंकि इनके अंदर कुछ लीकेज होती है. तो वो आगे के पॉइंट है, उसमें मैं आपको समझाऊंगी. तो फिलहाल क्या है कि जो डायनेमिक रैम होती है, वो उसमें क्या होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं. और इन्हीं कैपेसिटर्स की वजह से ये थोड़े टाइम के बाद क्या होते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं और रिफ्रेश होता है. इसलिए स्टैटिक रैम में जो डेटा होता है, वो जब तक पावर ऑन है तब तक सेव होता है. और डायनेमिक रैम में जब पावर आपकी ऑन है, उसके बाद भी थोड़े टाइम के बाद डेटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है, रिफ्रेश हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट, इट हैज नो चार्ज लीकेज प्रॉपर्टी. सो इट डज नॉट need to be power refresh and it has charge leakage property. So it is need to be refresh after each read operation. वही सेम पॉइंट रिपीट हो गया है जो भी मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक रैम जो एस रैम होती है उसमें क्या होता है, कोई भी लीकेज नहीं होता है. नो चार्ज लीकेज प्रॉपर्टी, उसमें लीकेज नहीं होता है, यानी डेटा जो है वो लीक नहीं हो रहा है, इसलिए वो बार बार क्या होता है, रिफ्रेश नहीं होता है. लेकिन जो डायनेमिक रैम होती है, उसमें हमारे कैपेसिटर्स जो होते हैं, उसमें लीकेज होता है कैपेसिटर में, और उसकी वजह से क्या होता है, बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता है अपने रैम, डायनेमिक रैम को. जो स्टैटिक रैम होती है, ये क्या होती है, इट इज़ एक्सपेंसिव. ये एक्सपेंसिव होती है. एंड डायनेमिक रैम जो होती है, इट इज मोर चीपर. मोर नहीं, इट इज चीपर देन स्टैटिक रैम. स्टैटिक रैम से सस्ती होती है. एक्सपेंसिव ये भी होती है, डायनेमिक रैम भी आपकी एक्सपेंसिव होती है, बट हाँ, इससे सस्ती होती है. नेक्स्ट इज फिफ्थ, इट इज फास्टर देन डायनेमिक रैम. ये क्या होती है, डायनेमिक रैम से फास्टर होती है. ये फास्ट होती है
और ये इट इज स्लोअर देन स्टैटिक रैम। फास्ट दोनों ही होती है, बट अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो जो स्टैटिक रैम होती है वो ज़्यादा फास्ट होती है और ये थोड़ी स्लो होती है। और इस स्टैटिक रैम क्या होती है हमारी, जैसे कि आपकी कैश मेमोरी, उसे आप क्या कह सकते हो, स्टैटिक रैम। और इसमें जो होते हैं वो आपके होते हैं DDR और DDR2। इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो GB की फॉर्म में होता है और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो आपका MB की फॉर्म में स्टोर होता है। तो ठीक है, ये दोनों स्टैटिक रैम में और डायनेमिक रैम में डिफरेंस है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस होता है। जो स्टैटिक रैम होती है वो आपकी फास्ट मेमोरी होती है कंपेयर टू डायनेमिक रैम।